सैड बीस का चेक कर ले या सैड बीस का चेक कर ले। बाकी इसके साथ भी जो है ना पार्ट्स में 100% दूंगा, आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब ये जो पीको बना रहे हैं, जिस स्पीड से बना रहे हैं, ये देख, वाओ यार, इसको आप मजीद भी देख ले, इसको आप इस तरह भी उठा सकते हैं, बिल्कुल छोटे 100% पार्ट्स होंगे। अच्छा जी, ये आप दिखा सकते हैं, इनमें से इंशाल्लाह सुई भी कम नहीं होगी, सुई भी मैं इसके साथ दूंगा। वाह जी वाह, ठीक हो गया, ये मुकम्मल पार्ट्स के साथ फ्लॉपी लग की, जिसमें इस तरह के मुख्तलिफ डिजाइन आप बना सकते हैं। मतलब आप इसका मेमोरी कार्ड कह सकते हैं। जी बिल्कुल, इसका मेमोरी कार्ड कह सकते हैं। मौजूद है, बहुत से लोगों के पास ये मशीन मौजूद है लेकिन उसके पास पेडल नहीं है, ठीक है, 3 किलो वेट भी इसका नहीं है। और अगर ये काम के लिए हाथ से जेका जाए तो बिल्कुल परफेक्ट, यानी छोटा मशीन और बड़ा काम, इसको आप वो भी कह सकते हैं। ये ट्रिपल पीको जो है ना वो आपको होती हुई दिखाएगा, ये इसको मैंने डबल कर दिया, कितने 16 हो गए, 16 दफा कपड़ा आपके सामने मैंने रख दिया और ये चला रहा है। ये स्पेशल मैंने फर्स्ट दफा इसलिए ट्राई की कि आपकी व्यूअर और मेरे कस्टमर गिले ना करें। इसे आप काज भी बना सकते हैं, काज बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, ये गले वगैरह पे और इसके अलावा ये अस्तेनों पे जो है ये चीजें बना ली थी। उन्होंने किसी भी जगह से मशीन खरीदी भी हो तो वो आपके पास ले तो आप उसको ठीक भी करके ले देंगे। वहाँ भाई एक तो वो थे जो मेरे अपने कस्टमर, उनके साथ तो वैसे भी मैं आपको कोऑपरेशन कर लेता हूँ। एक वो कस्टमर है जिनका हमारे साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक भी नहीं, उनके लिए भी मसले हल कर देता हूँ। अच्छा, क्योंकि जारी बात है सारी उम्र पैसे नहीं कमाना, आखिरत के लिए भी कुछ लेके जाना। यानी घर में बैठ के आप इससे अगर फ्रेम का काम करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत सी ऐसी सिस्टर होंगी जिनको बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी आप बनाकर बेच भी सकते हैं क्योंकि आपने कहा कि कमर्शियल लेवल पे भी यूज हो सकता है। जी बिल्कुल यूज, यहाँ पे जो है थोड़ा सा लूज आ रहा है, तो अगर वो लूज आ रहा होगा तो यहाँ पे सिंपल इसको ये देख ले, यहाँ से इसका टेंशन सेट होता है, ये देख ले इस साइड पे ये ढीला होता है और इस साइड पे ये टाइट होता है। अब ये मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया तो जाहिर ही बात है इसकी फाइज में फर्क आ गई, ये देख लीजिए, चेक कर सकते हैं आप यहाँ से। इसकी मैंने इसको कमांड दी है, जो डिजाइन मैंने सेलेक्ट किया है ये वही डिजाइन अपने हिसाब से बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अभी मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ क्योंकि तो देख ले इस बटन पे आप क्लिक कर ले, ये मजीद डिजाइन आ गए। इनमें से आपने कोई भी डिजाइन सेलेक्ट करने, फॉर एग्जांपल मैंने ये डिजाइन सेलेक्ट कर लिया, आपने पांडा सेलेक्ट कर लिया, ये हो गए, ठीक है। इसके बाद ये दो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, ये देखिए इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये पांडा बड़ा हो सकता है, ये देख लीजिए छोटा पांडा है और ये बड़ा पांडा है। यहाँ तक तकरीबन 150+ डिजाइन इसमें आ रहे हैं जिसमें खूबसूरत सीधी सिलाई भी कर सकते हैं ओवर रात पी को। इसके अलावा जो है अगर आपने कोई पांडा मांडा बनाना हो, कोई कार्टून बनाना हो तो ऑप्शन सब इसमें अवेलेबल है। पाकिस्तान में फ्री डिलीवरी के साथ दूध है, आप चाहे तो उसको स्लो कर लें चाहे तो उसको आप तेज कर लें, सब कुछ आपके हाथ में है। शुरू शुरू में सिलाई सीखना है, उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि भाई इस अपॉर्चुनिटी से आप फायदा ले ले, प्राइस भी इंतहाई मुनासिब है, ज्यादा सूट सीना कर चाहते हैं कम वक्त में, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग फिट फाट होंगे और खैरियत से होंगे। आपका भाई चौधरी वहाब आप लोगों के लिए पिशावर में इस वक्त मौजूद है कारखानों मार्केट में, जिधर आप लोगों को मैं नई टेक्नोलॉजी की मशीनें दिखाने वाला हूं इंशाल्लाह। जिन बहनों को मेरी को हाथ से चलाते हुए मशीनें जरा थोड़ी सी मुश्किल होती है, या मेरे दर्जी भाई हैं जो कमर्शियल लेवल पर बहुत ज़्यादा परेशान है, ज़्यादा सूट सीना कर चाहते हैं कम वक्त में, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई नई अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। जो यहाँ के ऑनर हैं सदाम भाई, उनके साथ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सदाम भाई ठीक है, खैरियत से? सदाम भाई बड़ा मजा आता है आपके पास आके हमें, क्योंकि बड़ी हम्बल पर्सनैलिटी है आप माशाल्लाह से। शुक्रिया। सर मुझे ये बताएं कि हमारी बहनों को आज यहाँ पर किस तरह की मशीनें देखने को मिलेंगी? सबसे पहली बात तो ये वहाँ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी दूर से आते हैं अपने लोगों के लिए, अपने व्यूअर के लिए, उनके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना लेते हैं और उनको अच्छे फायदे जो है ये देते हैं कि मतलब कम से कम प्राइस में और अच्छी से अच्छी चीजों आपसे लड़के हम रेट कम करवाते हैं। वो तो शुरू में आपके अंदाजा हो जाता है, जब आते तो हम अंदाजा हो जाए कि वहाँ पहले रेट कम लेके जाने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मशीन है वहाँ भाई, देख लीजिए ये आती है लाट में, ठीक है, सही है। मैं आपके व्यूअर को बताना चाहता हूँ कि ये होती है यूज में लेकिन 10x10 कंडीशन। अच्छा, में बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में, तो जिनको भी चाहिए होगी ये मशीन है उनको बिल्कुल 10x10 कंडीशन में पार्ट्स उनको मुकम्मल देंगे और बिल्कुल परफेक्ट मशीन देंगे। सही हो गया। सर मुझे एड्रेस बता दीजिएगा, नंबर शेयर कर दीजिएगा। वहाँ भी एड्रेस हमारा बहुत ही सिंपल है, पिशावर है, पिशावर के बाद कारखानों मार्केट, आप इसको शाह शॉपिंग सेंटर भी कह सकते हैं, किरानो मार्केट भी कह सकते हैं, बी ब्लॉक है, 49-50 नंबर शॉप है, सेराज सिलाई मशीन, और व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पे भी शो करेंगे लेकिन फिर भी बताना चाहता हूँ 0301-5939-115 यानी 0301-593-9115। जबरदस्त हो गया, मेरा ख्याल है जी सदाम भाई बगैर टाइम लगाए कि वीडियो में आगे बढ़ते हैं और लोगों को हर चीज डेमो के साथ दिखाना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जी। अच्छा वहाब भाई एक और चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, इसकी अगर वेल्ड कैसी मशीन है यार, वेल्डर की छोटी मशीन आई है जो शुरू शुरू में सिलाई सीखना चाहती है, ज्यादातर जो है
ये आंटी हजरत हमें कॉल करना चाहती है कि हल्की मशीन आप दिखा दे, तो ये देख ले कवर इससे मैंने हटा दिया, इसका वेट देख ले तो तकरीबन 3 किलो वेट भी इसका नहीं है। अगर ये काम के लिए घास जेका जाए तो बिल्कुल परफेक्ट, यानी छोटा मशीन और बड़ा काम, इसको आप वो भी कह सकते हैं। ठीक है, थोड़ी मैं इसके डेमो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने इसको ऑन कर दिया, मैं थोड़ा सा धागा डाल, अच्छा ये देख ले वहाँ भाई, ये छोटी सी मशीन है, इसमें रिवर्स का ऑप्शन मौजूद है, ये देख ले ये रिवर्स भी जा सकती है। ठीक है, इसमें बॉबिन फिल की ऑप्शन मौजूद है, यानी बॉबिन भी आप इसको फिल कर सकते हैं। इसको सिर्फ आपने इस तरह साइड पे पुश कर लेने, मशीन को स्टार्ट कर लें। अब ये देखो इसकी ये बॉबिन भरी। ठीक है, इसके बाद जो है डिजाइन के हवाले से देखा जाए तो सीधी सिलाई तो वैसी भी आम मशीन में मौजूद है, सीधी सिलाई तो कर लेती है, इसमें और डिजाइन भी है, ओवरलॉक पीको काज, मतलब हम ये कह सकते हैं चीज छोटी है पर इसमें फंक्शन बहुत सारे हैं। वहां भाई जो लोग अपने छोटे से बच्चों को गिफ्ट देना चाहते हैं, शुरू शुरू में सिलाई सीखना है, उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि भाई इस अपॉर्चुनिटी से आप फायदा ले ले। प्राइस भी इंतहाई मुनासिब है और काम के लिहाज से ये देख ले मुख्तलिफ किस्म की डिजाइन है और तरीका बिल्कुल सिंपल है। ये देखो इसका व्हील है, इसको आप चेंज करते जाए, जो भी डिजाइन आपको सामने नजर आएगी उसको सेलेक्ट कर ले और यहाँ से आप स्टार्ट ले ले। ये एक और लाख का डिजाइन है और इसकी आप स्पीड देख ले। हाँ ये चेक करें जी, ये ले ले, क्या बात है। तो बजाय उसकी के हाथ से चलानी हो, अपना टाइम भी जाया करना हो, अपने आप को थका भी देना हो, ऐसे ये मशीन है, इससे आप सिलाई सीख ले, देख ले और लाख का। अच्छा बाजार का थोड़ा सा बकरी जो है कच्ची आ रहे हो तो यहाँ से आप इसको टेट कर सकते हैं। ठीक है, ये अच्छा इसमें भी देखो, इसमें भी ये डिजाइन है, ये ट्रिपल पीको जो है वो भी इसमें मौजूद है, ट्रिपल पीको का काम भी इससे ले सकते हैं। स्पीड का ऑप्शन इसमें मौजूद है, आप चाहे तो उसको स्लो कर लें, चाहे तो उसको आप तेज कर लें, सब कुछ आपके हाथ में। सही होगा जी, ये चेक करें जी, यही मशीन आप देख लें किस तरह से पैक हुई पड़ी है, बिल्कुल छोटी सी लग रही है जी, बिल्कुल ये देख लें, कहीं भी लेके देख ले, देख ले इसको आप इस तरह भी उठा सकते हैं, बिल्कुल छोटी मशीन है। तो जिनको भी चाहिए वो हब भाई मैं इंतहाई मुनासिब प्राइस लगा देता हूँ, कर दें ये प्राइस बता के मुझे, पाकिस्तान में फ्री डिलीवरी के साथ एडाप्टर के साथ 12,000 रुपए में दूंगा। ले जी 12,000 रुपए में सिर्फ मशीन, डिलीवरी भी फ्री है, चाहे 1500 आए चाहे 2000 आए, एडाप्टर भी साथ दूंगा 1500 का और 12,000 रुपए में दूंगा। जो है भाई आज मैं आपको दिखाने वाले जुपर की एक मशीन हमारे पास आई है, ये देख ले इसका जो है 009 मॉडल है, HZL 009। ठीक है, अगर डिजाइन आप देख ले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन 150+ डिजाइन इसमें आ रहे हैं, जिसमें खूबसूरत सीधी सिलाई भी कर सकते हैं, ओवरलॉक पीको, इसके अलावा जो है अगर आपने कोई पांडा मांडा बनाना हो, कोई कार्टून बनाना हो तो ऑप्शन सब इसमें अवेलेबल है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें मैंने कुछ डिजाइन भी बना ली, कुछ डिजाइन और भी बना रहा हूँ, बस एज ए फंक्शन है वहाँ भाई, जो ज्यादातर लोगों के पास मशीन तो अवेलेबल है लेकिन उसको इसकी समझ नहीं आ रही। अच्छा, कि आपने इसको ऑपरेट किस तरह करना है। ठीक है, ऑपरेट करना आता हो तो आप बहुत सारे फायदे ले सकते जी, बिल्कुल। अब जिस तरह की मैंने देखी पांडा सेलेक्ट कर ली, अब लोग तो पांडा बना सकते हैं लेकिन उनको इस बात का इल्म नहीं कि पांडे को आपने बड़ा किस तरह कर लेना है। ठीक है, अच्छा। अब ये देख ली यहाँ पे आपने पांडा सेलेक्ट कर लिया, ये हो गई। ठीक है, इसके बाद ये दो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, देखिए इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये पांडा बड़ा हो सकता है, ये देख लीजिए छोटा पांडा है और ये बड़ा पांडा है। ठीक है, तो इसका फंक्शन यहाँ पे है। अगर इसके अलावा अगर आपने सिर्फ सीधी सिलाई ओवरलॉक पीको का काम लेने तो ये देख ली सिंपल, इस पे आपने क्लिक कर लेने, ये डिजाइन आपके सामने आ गए। एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, बाज ऐसे लोग है जो बार बार ये चीज पूछ रहे हैं डिजाइन छोटे बड़े हो सकते हैं कि नहीं, जिन डिजाइन के सामने ये ऑप्शन आते हैं ये सामने देख ले, वो डिजाइन छोटे बड़े होंगे, जिन डिजाइन के सामने ये ऑप्शन नहीं आते इसका मतलब है कि वो फिक्स डिजाइन है। ठीक है, अब ये सीधी सिलाई है, इनमें से मैंने ये सीधी सिलाई सेट कर ली, अब इसमें ऑप्शन आ रहे हैं इसका मतलब है कि ये डिजाइन छोटा बड़ा हो सकता है। अच्छा, ये रही इसकी सीधी सिलाई, सीधी सिलाई को ऑपरेट करना तो आम सी बात है, इसको कोई भी ऑपरेट कर सकता है। इसके बाद अगर कोई चाहता है कि मैंने इसे मजीद जो है डिजाइन बनाने, तो सिंपल यहाँ पे देख ले इस बटन पे क्लिक कर लेना, ये इसके सामने एक फोल्डर खुल गई। ठीक है, ठीक है, ये तकरीबन 5 फोल्डर है, इसमें से अगर आपने कार्टून बनाना होगा तो इस फोल्डर पे क्लिक कर ले। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने कोई डिजाइनिंग वगैरह ना करनी है तो ये देख ले इस बटन पे आप क्लिक कर ले, ये मजीद डिजाइन आ गए। इनमें से आपने कोई भी डिजाइन सेलेक्ट करने, फॉर एग्जांपल मैंने ये डिजाइन सेलेक्ट कर ली। ठीक है, अब ये डिजाइन बनाएगा सिर्फ एक ही दफा, मैंने कमांड दे दिया। अगर कोई बंदा कहते कि मैंने मुसलसल चलाने तो इस बटन पे आप क्लिक कर लें, अब ये डिजाइन मुसलसल चलेगी। ये जो चेक करेंगे, ये जोकी की मशीन है वो हाँ भाई, इसकी आप अगर आप देख ले तो इतना शोर कर लेना, इतना आवाज है इसकी, आवाज मतलब भी नहीं होता जी, बिल्कुल, मतलब अगर पास कोई बंदा बैठा भी हो तो उसको तंग नहीं करता, सो रहा है या बैठा है तो जी बिल्कुल, अपने एक एक मिकदार में चल रही है। तो ये देख लीजिए डिजाइन है, जिस डिजाइन की मैंने इसको कमांड दी है, जो डिजाइन मैंने सेलेक्ट किया है,
ये वही डिजाइन अपने हिसाब से बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अभी मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ क्योंकि आगे थोड़ी मजीद थोड़ी बहुत डेमो दिखाना है आपको। जी, जी, जी। तो ये डिजाइन जरा अपनी व्यूअर को दिखा सके, ये देख ले, ये इसका फ्रंट है, ठीक है। अगर मैं इसकी आपको बैक दिखा सकूँ, ये देख ली, इसका बैक साइड भी है, ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, हमने माशाल्लाह डिजाइन वगैरह देखे, आपने पांडा शांडा भी बना के दिखाया है, दूसरा भी दिखाया है। जी जी सर, मुझे ये बताएं कि ये जो मशीनें आती हैं आपके पास, इसमें पार्ट्स वगैरह सारे मौजूद होते हैं? जी बिल्कुल, पार्ट जो है इसके 100% इसके साथ होंगे, ठीक है। अच्छा, बस ऐसे शॉपकीपर होते हैं जो मशीन तो दे देते हैं लेकिन पार्ट्स उसके साथ नहीं देते। हाँ, ये देख ले भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख ले, ए टू जेड सब पार्ट्स इसके साथ होंगे। अच्छा, ये देख ले, मशीन के साथ सारे पार्ट्स मौजूद हैं। बिल्कुल, ये मैंने जिस कस्टमर को भी दिया और जो कस्टमर भी डिमांड करेगा मशीन की ऑर्डर करेगा उसके साथ ये 100% पार्ट्स होंगे। अच्छा जी, ये आप दिखा सकते हैं, इनमें से इंशाल्लाह सुई भी कम नहीं होगी, सुई भी मैं इसके साथ दूंगा। वाह जी वाह, ठीक हो गया, ये मुकम्मल पार्ट्स इसके साथ दूंगा जी। और बाकी ये और लाग का डिजाइन है, ये मैंने बना दिया, ठीक है। इस पे आप पीको भी कर सकते हैं, पीको का ये डिजाइन है। अगर आपने आप कहते हैं कि मैंने जो है दामन मोड़ना है तो उसके लिए ये पैर लगाना होगा, ये देख लीजिए पीको का पैर है, ये आप लगा सकते हैं। अगर आपने सिंपल पीको कर लेना है तो सिंपल पीको आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी देखो इसमें ये ऑप्शन मौजूद है कि आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देख ले, पहले जो है इसका जो है साइज में फर्क था, अभी मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया तो जाहिर बात है इसकी साइज में फर्क आ गई। ये देख लीजिए, चेक कर सकते हैं आप यहाँ से इसका साइज छोटा बड़ा हो सकता है। सही हो जी, वाह भाई ठीक हो गया। सदाम भाई माशाल्लाह से इसमें बहुत ज्यादा फंक्शन है, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी है मशीन। जो सारे इधर फंक्शन नजर आ रहे हैं मतलब वो सारे काम करेंगे। जी जी बिल्कुल कर लेंगे। सदाम भाई मुझे ये बताएं कि इसकी प्राइस वगैरह क्या रहने वाली है? प्राइस के हवाले से अगर बात की जाए वहाब भाई, तो आपके कस्टमर जो है, पहले तो मैं उनको एक मशवरा देना चाहता हूँ कि जब भी आपने मशीन लेना हो तो डायरेक्ट मशीन देख के कॉल नहीं करे, लाजमी 2-3 शॉपकीपर से पता कर ले, सुनत का तरीका भी है। जी जी, आप उनसे पहले पूछ ले कि प्राइस क्या है, उसके बाद जो मुनासिब प्राइस और अच्छी चीज आपको दे उसको आप दे सकते हैं। सही हो, तो मार्केट में वहाँ पे इसकी प्राइस चल रही है 3500-3600। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि पूरी मार्केट में सबसे ज्यादा कम रेट आपके हैं? सबसे कम रेट मेरी है बिल्कुल। अच्छा, इंशाल्लाह मैं सबसे कम रेट जो है 32,000 रुपए में दूंगा ये। अच्छा अच्छा जी बिल्कुल, ठीक हो गया जी। ये लीजिए, आपके लिए जो है ना 32,000 की देंगे। चलिए, अगर कोई मजीद आपके पास कोई चक्कर लगाता है तो उसके लिए अगर कुछ थोड़ा बहुत और मतलब कर सकते हुए रेट कम हो गए उस वक्त, तो थोड़ा सा वहाँ एक तो मेरा प्राइस बिल्कुल फिक्स है। जी जी, जो प्राइस मैंने बता दी वही प्राइस में दूंगा। हाँ, अलबत्ता एक ऑफर दे सकता हूँ, ठीक है, वो स्पेशल आपकी व्यूअर के थ्रू। जी जी, जो भी आपका फर्स्ट 10 कस्टमर जो है, यानी मेरे 10 कस्टमर और आपके व्यूअर, हाँ सबसे पहले 10 व्यूअर होंगे, जी जी, उनको मैं दूंगा सिर्फ 30,000 में। 2,000 रुपए उन 10 कस्टमर के लिए डिस्काउंट होगा जो सबसे पहले ऑर्डर करेगा। क्या बात है जी, क्या बात है सर। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल के, अगर जी जी, मुझे ये बताएं किसी के पास थोड़ा सा कपड़ा मोटा मौजूद है, पतला पे तो आपने मुझे करके दिखा दिया, जी जी, किसी के पास थोड़ा सा मोटा है तो उस पे भी हो जाएगा? या अगर कोई बंदा किसी के पास जीन्स की पैंट है उसको थोड़ा बहुत वो सिलाई लगाना चाहता है, कुछ थोड़ी सी उखड़ गई है वहां से, उसको सेटमेट करना चाहता है तो वो भी हो जाएगा सर? जी बिल्कुल हो जाएगा वहां भी। ये तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्कि क्या कपड़ा मैं आपके सामने इसको फोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, जितना कहेंगे आप मैं इसको रोल कर लेता हूँ। ये देख ले, ये कपड़े है, ये कितने हो गए? 2 दफा हो गए, ठीक है। इसको मैं आप डबल कर देता हूँ, कितने हो गए? 4। अगर इसको मैं 4 को मैं डबल करूंगा फिर कितने हो जाएंगे? ये ये 8 हो गए, 8 हो गए, ठीक है। ये 8 दफा मैंने रोल कर दिया और ये आपके सामने मैं चला रहा हूँ, ठीक है। ये देख ले, 8 दफा कपड़ा रोल कर दिया, यहाँ पे मैंने रख दिया, ये सीधी सिलाई मैंने लगा ली और यहाँ से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ बिस्मिल्ला। ये हो गई स्टार्ट, ये आपके सामने है, चाहे आप उसको चेक भी कर सकते हैं। ये चेक करें जी, जी ये 8 दफा मैंने रोल कर दिया, ये आप देख लें इसको, ये साइड भी देख ले, ये साइड भी देख ले। अगर वहाँ भाई इसको 8 को मैं डबल कर दूं कितने हो जाएगी? 16। ये चला लेगा? मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, मुझे मशीन से तो पावर से तो लग रहा है कि हो जाएगा। चलो ट्राई कर देते हैं आपकी वीडियो के सामने। मैंने ये देख ले, ये 8 था, इसको मैंने डबल कर दिया, कितने? 16 हो गए, 16 दफा हो गए जी। पहली दफा ट्राई कर रहा हूँ इस पे, लेकिन मुझे एतबार है इस पे कि इंशाल्लाह ये चल जाएगा। हाँ, अलबत्ता एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि इसके पाउड के नीचे जितना कपड़ा आता है ना वो चला के दिखा देगा। ये 16 दफा कपड़ा आपके सामने मैंने रख दिया और ये चला रहा है। ये स्पेशल मैंने फर्स्ट दफा इसलिए ट्राई की कि आपकी व्यूअर और मेरे कस्टमर गिल ना करे, ये मजबूत कपड़ा, हालांकि इसके पाँव के नीचे आ भी नहीं रहा। ये देख ले वहाब भाई, बिल्कुल ऐसा ही। ये अच्छा, मतलब 16 दफा भी किया है तो देख ले भाई, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए जुड़ गया यहाँ से, कोई ऐसा नहीं है बात, सही हो गया जी।
ये आपके सामने मैंने चला दिया। जीन्स के बारे में मैंने सवाल किया, अगर वो जीन्स के ऊपर कोई थोड़ा बहुत कोई टांका शांका लगाना चाहता तो वो भी इसके ऊपर हो जाएगा। जी हाँ भाई, एक मशवरा मैं जरूर दूंगा कि जीन्स का कपड़ा आप इससे ना सिलवाए, ठीक है। बाजों का इमरजेंसी के तौर पर आपने कोई टांका मांका लगाना है तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं, वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपने ये मशीन खरीद लिया, आप कह दें कि बस मैंने फैक्ट्री लगा ली और उसके बाद मैं जींस भी सिलवा लूं, वो बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये मशीनें आती है डिजाइनिंग के लिए, खूबसूरत डिजाइन है इसमें, अच्छी डिजाइन है, इससे आप काम ले ले, अपने बच्चों के कपड़ों पे कार्टून वगैरह बना ले, और जितनी आप डिजाइनिंग के काम लिया करेंगे इससे कोशिश कर ले, अगर आपके पास घर में सीधी सिलाई है तो ज्यादातर काम उसी लिए करें और डिजाइनिंग का काम इसी लिए करें। अगर इसकी उम्र अभी 10 साल है फिर 20 साल होगी इंशाल्लाह, जबरदस्त हो गया। सदाम भाई, सबसे अच्छी बात मुझे इधर आके ये लगती है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बात होती है वो बिल्कुल व्यूवर्स को सीधी सीधी बता दें। जी बिल्कुल सर, मुझे ये बताएं कि इसी प्राइसेस की और मशीनें कौन सी रहने वाली हैं? अच्छा वहाँ भाई, आपने अच्छी बात की, बाज़ ऐसे कस्टमर होते हैं जिनको हम मशीन दिखा देते हैं तो उनकी मशीन के पीछे पड़ती है, ठीक है। जी जी, तो अच्छी बात तो है कि पहले वो हमें अपनी रिक्वायरमेंट बता दें, हाँ, किस टाइप की मशीन उनको चाहिए। अब ये मशीन है, ठीक है, इसी प्राइस में ये मशीन भी है, ये भी उनको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और मशीन है जो ऑटोमेटिक धागा भी डाल देती है, फुल ए टू जेड, ठीक है। जिनका आई सेट का थोड़ा मसला हो, जो धागा नहीं डाल सकते, तो इसी प्राइस में ये मशीन भी उनको अवेलेबल होगा। बाकी मैं आपको कुछ और मशीनें भी दिखा सकता हूँ, ठीक है, ये देख ले, ये मशीन हो गई, ठीक है। इसके अलावा इसी कंडीशन में ये देख ले, ये मशीन भी आ सकता है, ये भी खरीद सकते हैं, ठीक है। बाकी कस्टमर को चाहिए कि वो हमने रिक्वायरमेंट बता दें मुझे कि हमें इस मशीन की रिक्वायरमेंट है, तो कम से कम अगर मशीन हम उस पे सेल ना करो तो मशवरा अच्छा देंगे इंशाल्लाह। अब आते हैं थोड़े से कमर्शियल लेवल की तरफ, ये देख ले वहाँ भाई, ये जुनून आर्टिजन वाले, ये ले जी, दर्जियों के मजे हैं अब। जल्दी जी, काम हो गया। अगर कोई इसको कमर्शियल तौर पे इस्तेमाल कर लेना चाहते हैं तो इसमें है बलूची डिजाइन, दूसरी की मशीन बिल्कुल पावरफुल मशीन है। ये डिजाइन आप देख ले, अपने व्यूअर को जरा दिखा सके, ये डिजाइन से बनते हैं। इसके अलावा इस टाइप की फ्लापी आती है इनकी, ये देख ले, इसमें इस तरह की फ्लॉपी लगती है जिसमें इस तरह के मुख्तलिफ डिजाइन आप बना सकते हैं। मतलब आप इसका मेमोरी कार्ड कह सकते हैं। जी बिल्कुल, इसका मेमोरी कार्ड कह सकते हैं। और इसमें एक और खूबी आपको बता देता हूँ कि इसमें होते हैं 150 डिजाइन। अच्छा, अगर किसी कस्टमर के पास ये पड़ा हो और वो कहते हैं कि मैं इसको रिन्यूअल करना चाहता हूँ, तो उसके सिर्फ 1000 रुपए लगेंगे इसको रिन्यूअल करने के लिए। वो हम खुद भी देते हैं, हम खुद भी कर सकते हैं, उनको अगर नंबर चाहिए होती है तो नंबर भी देके उनको डायरेक्ट करा सकते हैं, उन पर डिपेंड कर लेते हैं। जी बाकी ये डिजाइन आप दिखा सकते हैं, वो आप भैया देख ले, इस तरह की ये डिजाइन इसमें बनते हैं। अच्छा, देख ले, ये सारे डिजाइन जितने भी हैं ये सारे इस मशीन में बन जाएंगे। जी बिल्कुल, इस मशीन पे बन सकते हैं। तो अगर आपके पास, अगर मैं कहूँ कि इससे आप 1000 डिजाइन बना सकते हैं तो मैं झूठ इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि इसके जितनी फ्लॉपी आपके पास, मैं यकीन कर सकता हूँ इस बात पे क्योंकि ये बाहर की मशीन है भाई, ये पाकिस्तान की होती तो शायद ना बना सके। जी बिल्कुल। अच्छा, इसका तरीका बिल्कुल सिंपल है, ये देख ले। अभी एक मशवरा देना चाहता हूँ आपकी व्यूअर को कि मेहरबानी करके ये वीडियो आप कम्प्लीट इस वजह से देख ले कि हो सकता है ऐसी कोई चीज आपको मिलने को मिल जाए जो जिसके पास मशीन पड़ा हो लेकिन उसको इल्म ना हो। जी अगर वो कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं इस वीडियो से। अब ये देख ले, ये इसका फ्रंट है, यहाँ पे 1 to 14 डिजाइन यहाँ पे, ठीक है। एक दफा आपने प्रेस कर दी, एक डिजाइन आ गया, दोबारा आपने प्रेस कर देते हो, मजीद डिजाइन आएंगे, ठीक है। अब ये देख ले, 15 to 21 डिजाइन इसमें, 22 to 53 इसी में है, ठीक है। मैं वापस आता हूँ डिजाइनिंग की तरफ, ठीक है। अब इसको मैंने प्रेस कर दी, यहाँ से कोई डिजाइन आपने सेलेक्ट करना है सिंपल उसको सेलेक्ट कर दे, या मैंने सीधी सिलाई सेलेक्ट कर दी और स्टार्ट कर ले। ये नहीं जी, वाह। अच्छा, आप इसकी स्पीड देख ले वहाँ भाई, इसकी सफाई देख ले, सब कुछ के लिहाज से ये बिल्कुल परफेक्ट है। वाह यार, कितनी सफाई के साथ ये सिलाई लगा रहा है। जी बिल्कुल, ये इसकी सीधी सिलाई होगी, इसका बैक साइड भी चेक कर सकते हैं। बाजों का यहाँ पे जो है थोड़ा सा लूज आ रहा है, तो अगर वो लूज आ रहा होगा तो यहाँ पे सिंपल इसको ये देख ले, यहाँ से इसका टेंशन सेट होता है, ये देख ले, इस साइड पे ये ढीला होता है और इस साइड पे ये टाइट होता है। जिसने आपने टाइट करना है इसको आप टाइट कर सकते हैं, सिलाई मतलब वो उस तरह से सेट हो जाएगी। जी बिल्कुल। अब आता हूं मैं थोड़ा सी डिजाइनिंग की तरफ। ये फोल्डर मैंने सेलेक्ट कर दी, इसके बाद आप दोबारा दबाएंगे, ये मजीद फोल्डर आएंगे, इसमें ये डिजाइन मैंने सेलेक्ट कर दी और यहाँ से आप स्टार्ट ले लें। ये बाकी जो है इसमें वहां भाई फ्रेम का ऑप्शन मौजूद है, फ्रेम का डिजाइन जो है वो आप इससे बना सकते हैं, यानी घर में बैठ के आप इससे अगर फ्रेम का काम करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत सी ऐसी सिस्टर होंगी जिनको बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी आप बनाकर बेच भी सकते हैं क्योंकि आपने कहा कि कमर्शियल लेवल पे भी यूज हो सकता है। जी बिल्कुल, यूज हो सकता है। अगर आप बनाकर इसको बेचना चाह रहे हैं तो वो भी बेच सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा वो आप भाई एक चीज और, बहुत से कस्टमर के पास ये मशीनें अवेलेबल होती है लेकिन थोड़े से मसले उनमें होते हैं, ठीक है। तो अगर उनको इसको रिपेयर कराना हो तो एड्रेस मैं उनको दे देता हूँ, बेशक वो इधर मुझे भेजो। मतलब उन्होंने किसी भी जगह से मशीन खरीदी हुई हो तो वो आपके पास ले हैं तो आप उसको ठीक भी करके दे देंगे। वहाँ भाई
एक तो वो होते हैं जो मेरे अपने कस्टमर, उनके साथ तो वैसे भी मैं कोऑपरेशन कर लेता हूँ। एक वो कस्टमर है जिनका हमारे साथ दूर दूर तक तो भी ताल्लुक भी नहीं है, उनके लिए भी मसले हल कर देता हूँ। अच्छा। क्योंकि जाहिर बात है सारी उम्र पैसे नहीं कमाना, आखिरत के लिए भी कुछ लेके जाना। हाँ जी, जबरदस्त हो गया। तो उनको भी मैं मशवरा देना चाहता हूँ कि अगर उनके पास मौजूद है तो हमसे रब्ता कर ले, ठीक है, बेशक इंशाल्लाह इतना बड़ा मसला नहीं होगा, तो उनके लिए मैं वो मसला हल कर देता हूँ। बाकी भरोसे की बात है, अगर वो हमारी शॉप देखना चाहता है तो फिजिकली विजिट कर ले, सबसे अच्छी बात है। अगर ऑनलाइन आप मंगवाना चाहते हैं, नहीं आ रहे किसी मसले की वजह से, तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मंगवा सकते हैं। इसका क्या तरीका कार होता है डिलीवरी का, आप कैश ऑन डिलीवरी होती है या एडवांस पेमेंट? वहाँ भाई तरीके हमारे दोनों, कैश ऑन डिलीवरी भी है और एडवांस पेमेंट भी है। एडवांस पेमेंट पे हम उनको सिर्फ एक बेनिफिट दे सकते हैं, एज ए गिफ्ट उनको देंगे कि जो एडवांस पेमेंट करेंगे डिलीवरी चार्जेस हमारी तरफ से फ्री होगी। वाह जी, पूरे पाकिस्तान में एक मशीन पे तकरीबन 1400 से 1500 तक डिलीवरी चार्जेस आते हैं। अच्छा, लेकिन अगर कोई बंदा एडवांस पेमेंट कर लेते हैं, ठीक है, एक तो बाकी ऐसा मसला नहीं है एडवांस पेमेंट में। ज्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि शायद एडवांस पैसे लेके अपना नंबर बंद कर देंगे या कुछ। और आपने हमारी शॉप का विजिट किया, सिर्फ आपके कुछ पैसों के लिए नंबर नहीं बंद करने वाले, लेकिन ये है कि थोड़ा कस्टमर को इसलिए हम ये सवाल कर लेते हैं कि वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। ये तो वहाब भाई आप पहली भी आए थे। हाँ, और आपकी वीडियो के थ्रू हमने काफी कस्टमर भी बनाए, हमने उनको मशीनें भी दी है, ठीक है। सिर्फ बात सिर्फ इतना होता है कि एक ये पैसे हमें थोड़े से लेट मिलते जो कैश ऑन डिलीवरी होती है, आगे टैक्सेस मिक्सेस इन चीजों के मसले होते हैं। तो अगर एडवांस पेमेंट आती है तो एडवांस पेमेंट में मशीन पहुंचती भी जल्दी है। कैश ऑन डिलीवरी वाले असल में मसला क्या है, मसला सिर्फ इतना सा है कि वो एक ही दफा या दो दिन, हम जानते तो नहीं है, हम तो पेशावर में बैठे होते हैं। जी जी जी। अब डेरा गाजी खान हो गया, कराची हो गया, पिंडी हो गया, लाहौर हो गया, मुल्तान हो गया, वहाँ पे हमें क्या पता कि लेपड़ वाले कौन है, किस वाले कौन है। जी, वो उनको एक दफा कॉल कर लेता है, अगर वो कॉल पिक ना कर सके या नंबर बंद आ रहा हो तो फोन मशीन रिटर्न कर देता है और मसला हमारी तरफ। अच्छा, हर जगह पे डिलीवरी पाकिस्तान से बाहर भी चली जाती है? पाकिस्तान से बाहर भी है, लेकिन उनको थोड़ा तसल्ली रखनी होगी। कम से कम अब हमने जो ट्राई किया तो 20 से 25 दिन लग सकते हैं मशीन पहुंचने, बाकी कोई मसला नहीं। अगर उनको चाहिए मशीन बाहर तो बिल्कुल भिजवा सकते हैं। ये लें जी, अब जो है आप कमर्शियल लेवल पे भी इसको यूज कर सकते हैं अपना, अगर दर्जी वगैरह है, अगर आप काम शाम कर लेते हैं इसको कर सकते हैं। ये वहाँ भी वीडियो आपकी काफी लंबी होती जा रही है, आपने शुरू में मुझे कहा कि मुझे शॉर्ट वीडियो देने, कोशिश कर लेते हैं कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा बना दे और कुछ शो कर दे आपके व्यूअर के लिए। जी ठीक हो गया। तो ये आपने देख ली कुछ डिजाइन? और सर बना के मुझे दिखा दे, मेरे पास तो यहाँ पे काफी डिजाइन है, अगर आपके पास टाइम हो और आप रुक सकते हैं तो बेशक मेरे पास काफी चीज है। एक और डिजाइन आपको बना के दिखा देता हूँ, ये आप चेक कर ले, इसमें काफी अच्छी डिजाइन है वहाँ भाई, और खूबसूरत डिजाइन भी है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है ये ब्लूज डिजाइन पसंद कर लेते हैं ये गले वगैरह पे, और इसके अलावा ये अस्तेनों पे जो है ये चीजें बना लेती है। सही हो गया, ठीक हो गया। ये देख ले वहाब भाई आपके सामने है, मशीन की स्पीड देख ले, मशीन की सफाई देख ले, ये देख, और इसका काम देख ले, ये देख ली, ये साइड बिस का चेक कर ले, ये साइड बिस का चेक कर ले। बाकी इसके साथ भी जो है ना पार्ट्स में 100% दूंगा। मेरे काफी कस्टमर है, तकरीबन सबसे ज्यादा कस्टमर तो मेरे लाहौर से, मैं झूठ नहीं बोल रहा, 70% कस्टमर मेरे लाहौर से, ठीक है, उसके बाद कराची से, उसके बाद ये बाकी जो, लेकिन लाहौर से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कस्टमर ज्यादा है। जितने भी कस्टमर को मैंने मशीनें दी बगैर पार्ट्स के, मैंने किसी को मशीन नहीं दी, जबरदस्त, लाजमी 100% उसको पार्ट्स मुकम्मल करके देता हूँ। अच्छा जी सदाम भाई, मुझे ये बताएं कि हमारे व्यूअर्स के लिए इसकी क्या प्राइस वगैरह मिलने वाली है? वहाँ भाई मैं सिंपली बता देता हूँ, इसके प्राइस होगा 36,000, ठीक है, 36,000 रुपए, ठीक है। अगर एडवांस पेमेंट आती है तो डिलीवरी चार्जेस बिल्कुल फ्री होगी, अगर कैश ऑन डिलीवरी पे लेना चाहेंगे तो 1500 रुपए उसके डिलीवरी चार्जेस होंगे। सही हो गए जी। और इसके अलावा ऐसे कस्टमर है जो कहते हैं कि इसके आगे पीछे मतलब या थोड़ा सा ऊपर या नीचे हमें कोई और मशीन भी दिखा दी, तो ये जुनून 7,000 मॉडल है, ठीक है, ये भी होगा। इसके अलावा अगर उनको ये चाहिए होगा तो उनको मिलेगा 38,000 रुपए में। सही, बिल्कुल ही मुनासिब प्राइस है, मार्केट से पता करके फिर हमारे पास आ सकते। जी सदाम भाई, कुछ हमारे बहन भाई सादा भी लेना चाहते हैं जिसमें फंक्शन बेशक थोड़े हो जाएं और प्राइस भी उसकी कम होनी चाहिए, तो जो मेरे जैसे होते हैं उनके लिए कुछ कम प्राइस वाली भी दिखा। ये वहाँ भाई इसको आप सादा नहीं कह सकते, ये बहुत ही जबरदस्त मशीन है। अच्छा, स्पेशल उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि मैंने घर में इसको इस्तेमाल कर लेना है। इसकी मैं एक खासियत आपको बता सकता हूँ, ये छोटी सी मशीन है, इसमें 10 डिजाइन है, ठीक है, बिल्कुल मुनासिब प्राइस पे। शुरू में आपने मुझे कहा कि आज आपने लाजमी हमें ऑफर देने, तो उस ऑफर की तरफ मैं आता हूँ। ये देख लीजिए, इसकी सीधी सिलाई मैंने बना दी, इसी मशीन से आप काज भी बना सकते हैं। काज बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, ये देख लो,
सबसे पहले आपने जो है बीपी डिजाइन लेके आना है, ठीक है। बीपी डिजाइन आ गई, टांके को थोड़ा छोटा कर लो, ये देख ले अब ये आएगा। लेकिन एक काम आपने करना है कि डिजाइन इतना रखना है कि ये मशीन आगे मूव कर सके, बिल्कुल आपने इसको स्टॉप नहीं रखना कि मतलब आप डिजाइन अच्छा, बनाते जाएंगे और ये आगे पीछे ना जाता होगा। हाँ। ये देख ले, ये इसके कांच का डिजाइन है, ये देख ले। बाकी सफाई आपके हाथ में है कि आपने किस हिसाब से इस पे काज बनाना है, छोटा बनाना है, बड़ा बनाना है, ठीक है, वही आपको दिखा दी ये क्यों हो गई काज। अच्छा आप पिको किस तरह कर रहे हैं आपने, ये देख ले, ये 4 नंबर 5 नंबर पे पिको का डिजाइन आप ले, यहाँ से आप स्टार्ट कर ले। अब ये देख ले, बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन किसी को पिको आपको देगी। तो कम से कम प्राइस में ये अच्छी मशीन है और इसमें जो है फिर हमारे पास काफी मॉडल आते हैं वहाँ भाई। अच्छा पिको आप खुद भी देख ले, अपने व्यूअर को भी दिखा सकते हैं और उसकी सफाई भी चेक कर ले। जबरदस्त किस्म की सफाई ये देख ले। अगर आप कहते हैं कि यही पीको आप मुझे कपड़े पे करके दिखा दे, मैं आपको कपड़े पे भी करके दिखा सकता हूँ। सही हो गया, ठीक है जी। मैं थोड़ा सा डेमो आपको कपड़े पे बना के दिखा देता हूँ। उसका तरीका बिल्कुल सिंपल है वो हाँ भाई, थोड़ा सा आपने मुझे टाइम देना होगा जी, जी। अगर आप कहते हैं कि दौरान वीडियो कर ले मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन आपकी वीडियो लंबी होती जाएगी। ये देख लीजिए पीको का मैंने पैर लगा लिया, ठीक है, पैर इसका लग गया। सिंपल जो है आपको कपड़ा लिया है, पीको का जो कपड़ा है वो कपड़ा सामने रख ले। मेरे पास तो खैर इतने खास कपड़े हैं ही नहीं, थोड़ा सा कपड़ा पाया है हमें, एक थोड़ा सा डेमो देना होता है कि चलो यार आवाम को पता चल जाए थोड़ा। जी बिल्कुल, बस एक छोटा सा डेमो आपको दे सकता हूँ, बाकी मैं कारीगर तो नहीं हूँ आप कारीगर हो गए हैं जी इधर ना मेरी इतनी एक्सपीरियंस है इस पे। देखो मैंने कपड़ा रख दिया, ठीक है, और ये सामने इस तरह कर ले, बाकी देख ले। अच्छा आपने अगर छोटा बड़ा करना है वो हाथ भी वो सब आपके हाथ में है, आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अच्छा। अब ये जो पीको बना रहे हैं जिस स्पीड से बना रहे हैं ये आप चेक कर लें। अच्छा अब इसी पीको को आप जितना मजीद जितना आपकी मर्जी मजीद आप इसको करीब कर सकते हैं, ये देख लें। अच्छा ये इसकी डिजाइन है पीको का, ये देख वाओ यार, इसको आप मजीद भी छोटा कर सकते हैं। और ये काम आपने अच्छा किया कि आपने हाँ। वीडियो को स्टॉप नहीं किया, हाँ कम से कम आप व्यूअर को समझ आएंगे कि भाई इसमें नो एडिटिंग है, मुझे एडिटिंग पे लंबी वीडियो देखना, लेकिन ये कि उनको समझ आ जाए। जी बिल्कुल, ये पीको का पैर है ये मैंने वापस हटा दिया, ये अपना पैर है इसको लगाना चाहता हूँ। अच्छा फिर जिन जिन कस्टमर को ये मशीन चाहिए होगी उनको इंशाल्लाह फिर हम मुकम्मल वीडियो प्रोवाइड करेंगे जो शुरू से लेकर। हाँ हाँ बिल्कुल, इसको इस्तेमाल किस तरह करना है, इसको ऑपरेट किस तरह करना है, इसको ऑयल शायल किस तरह देना होता है, तो मुकम्मल तरीके जो है उनको पे प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा ये स्पीड देख ले वो हाँ भाई, ये एक बात मैं कहना चाहती हूँ उन औरतों के लिए जो हमारी बहन में है घर पे बैठी हुई है, वो कहते हैं कि मैंने थोड़ा बहुत भी काम करना चाहती हूँ। अब इस मशीन की अगर प्राइस मैं आपको बता दूं, आपने तो खैर नहीं पूछा, चलो मैं बता देता हूँ इसकी प्राइस। करने वाले हैं 15,000 में दूंगा ये मशीन। अच्छा 15,000 विद एडाप्टर, एडाप्टर के साथ 1500 का एडाप्टर, वो भी इस प्राइस की चीज होती है, वो दिखाएं जरा। एडाप्टर वो होती है वहां भैया, असल में ये चलती है 110 पे, मुश्किल है मेरा ख्याल ये 110 पे चलती है, 110 बिजली पे, ये होता है एडाप्टर, आपने इसके बगैर इसको नहीं चलाना। निकाले जरा इसका क्या चीज है अंदर। अच्छा जी मैं ये तो मैंने सिर्फ ठीक है। हां हां नहीं नहीं मैं समझ गया हूं, थोड़ा मुश्किल होगा दुकान ये देख ले, इस टाइप के एडाप्टर होते हैं इसमें, वहां ये चेक कर ले, मैंने खुद भी इस पे लगाया हुआ है। अच्छा और उनको भी इसी पे लगाना चाहिए, मतलब ये 240 पूरा करके देता है, जो वो चीज है 110 पूरा करके देता है, आपने इसको 110 पे चलाने, ठीक है। तो 15,000 की मैंने मशीन लगा ली, एडाप्टर इसके साथ होगा, बावजूद इसकी भी किसी कस्टमर के एडवांस पेमेंट आई तो डिलीवरी भी इसी में शामिल करूंगा। सही हो गया, ये एक ऑफर देने वाला हूँ हाँ आपके व्यूअर के लिए, और स्पेशल उन खवातीन के लिए जो कहते हैं कि मैंने घर में बैठ के थोड़ा सा काम कर लेने, ठीक है। अब ये मशीन मैंने 15,000 की दे दी वो हाँ भाई। अच्छा अगर कोई एक औरत इससे 15 सूट भी सी ले तो मतलब की उसने अपनी कीमत जीत ली, मतलब आप समझ लें कि इसके साथ एडाप्टर आप फ्री दे रहे हैं। एडाप्टर तो लाजमी फ्री दूंगा बाकी और भी मैंने कह दिया कि अगर उसकी आ गई एडवांस पेमेंट तो डिलीवरी भी फ्री। अच्छा एक और चीज आपको दिखा देता हूँ, इसमें ट्रिपल पीको, एक अच्छा। ही सुई एक धागे से आपको ट्रिपल पीको करके दिखाता है, ठीक है। ये देख ले ट्रिपल पीको करता किस तरह है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख ले। यहाँ पे मैं डिजाइन लेकर आया हूँ और आपके सामने मैं बना रहा हूँ, ये ट्रिपल पीको जो है ना वो आपको होती हुई दिखाएगा, ये चेक कर रहे इसी तरह वहाँ भाई। ये देखिए इसके ट्रिपल पीको है, एक ही सुई से, और आम टेलर हजरात जो है वो 2 सुइयां लगाते हैं 2 धागे डालते हैं डबल सिलाई, सही है सही है। ये ट्रिपल सीधी सिलाई भी कर सकता है, ये देख ले, ये ट्रिपल पीको कर दी, इसके बाद ये ट्रिपल सीधी सिलाई, यानी इसी एक मशीन से मैं आपको ट्रिपल सीधी सिलाई करके दूंगा। अच्छा मुझे सलाम भाई बताएं, इसके साथ भी सामान पूरा होगा जो जो इसका होता है, मुकम्मल मुकम्मल वहाँ भाई पार्ट में किसी मशीन के साथ कम नहीं दूंगा, ठीक है, बिल्कुल मुकम्मल दूंगा। अच्छा इसके अलावा अगर किसी को ट्रिपल सीरीज सिलाई में पखी बकी कर रहे हो, रिवर्स का ऑप्शन यूज करना हो, तो इसको सिंपल आप प्रेस कर ले,
इससे जो है मशीन रिवर्स की तरफ जाएगी। अच्छा। ये ऑप्शन भी इसमें मौजूद है। अच्छा, और इसके अलावा हाँ भाई देख ले, अगर कोई बटन से यूज नहीं करना चाहते, वो कह दे कि मैं आदमी पेडल से चलाने के लिए, तो ये ऑप्शन मौजूद है कि हमारे पास ये पेडल है। मतलब अगर आप उसको ऐसे नहीं यूज करना चाहते तो अपने पैडल के साथ आपको आदत हुई है तो पैडल भी आपको मिल जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको पैडल लगा ले, पैडल का ऑप्शन इसमें मौजूद है। बहुत से लोगों के पास ये मशीन मौजूद है लेकिन उसके पास पैडल नहीं है, ठीक है। अच्छा। लेकिन ये पैडल मैं सिर्फ अपने कस्टमर को दूंगा। हाँ, सिर्फ पैडल में नहीं भेजूंगा, मैं लेकर आया अपने कस्टमर के लिए, जिनको पैडल चाहिए वो अपने लिए मंगा ले। देखो इसमें पैडल का ऑप्शन मौजूद है, इसको आप पैडल लगा सर, सिंपल ये पेन है, इसको आप यहाँ पे लगा ले, ठीक है, और इसके बाद आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, सिंपल मैंने इसको प्रेस कर दिया और ये जा रहा है, ये आपके सामने, ठीक है। अच्छा वहाब भाई एक चीज और, मैंने ये मशीन की वीडियो दिखा दी, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आपके कस्टमर कहे कि भाई ये मशीन हमने भिजवानी, इसमें हमारे पास काफी मॉडल आते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं इधर पड़ी पड़ी दिखा देते हैं, ये देख ले, ये सिंगर की फिट लाइन इस ऑफर में मौजूद है, ये जुगी की मशीन ये इस ऑफर में मौजूद, ये देख ले वहाब भाई, ये भी इस ऑफर में मौजूद है, ठीक है। ये मशीन देख ले, ये मशीन भी इस ऑफर में मौजूद है, ये मशीन भी इस ऑफर में मौजूद है। मतलब आप कैमरा घुमाते जाएं, ये देख ले, इसमें से जो भी मशीन आपको चाहिए होगी, ये मशीन सिर्फ नहीं लेके आना, ये ऑफर के बगैर है, ये कमर्शियल मशीन है, बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी मशीन आपको चाहिए होगी मैं दूंगा इंशाल्लाह इस ऑफर में। जी माशाल्लाह, कितनी बड़ी इनकी शॉप है, कितनी मशीनें पड़ी हैं, कोई भी आप इसमें से मुख्तलिफ रेट्स हैं आप खरीद सकते हैं। सलाम भाई, वीडियो हमारी काफ़ी लॉन्ग हो गई है, तो आपने माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त तरीके से समझाया, मैं खुद बोर नहीं हुआ बिल्कुल, मेरा ख्याल है मेरे व्यूवर्स भी बोर नहीं हुए होंगे। इंशाल्लाह मुझे लास्ट में अपना एड्रेस वगैरह बता दीजिएगा, नंबर वगैरह शेयर कर दीजिएगा सर। वहाँ भाई एड्रेस हमारी पिशावर है, पिशावर के बाद ये कारखानों मार्केट है, कारखानों मार्केट के बाद इसको शाह शॉपिंग सेंटर भी कह सकते हैं, पिरानो मार्केट भी कह सकते हैं, पिरानो मार्केट बी ब्लॉक 4950 नंबर शॉप है, सिराज सिलाई मशीन, और व्हाट्सअप नंबर है मेरा 0301593915। जबरदस्त हो गया सर, मिलते हैं एक नई वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।